हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जतिन ऑटो वर्ल्ड में। आज थंबनेल देखे होगे आपने, आज रिव्यू करते हैं होंडा सिटी का। इसमें भाई ने 2 साल हो गए सीएनजी लगवाए हुए, तो भाई का रिव्यू करेंगे कि भाई मतलब कि खुश है इस सीएनजी लगवाने से, और 2 साल से मतलब कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ मतलब फेस करना पड़ा कुछ प्रॉब्लम में पिकअप वगैरह में, या कुछ सर्विस कॉस्ट वगैरह कुछ है मतलब कि इससे बढ़ गई है गाड़ी की। तो उसमें देखते हैं कि ये हमारे प्रीत भाई, इन्होंने इनके पास है होंडा सिटी, इनकी ओनरशिप है, तो इनसे एक बार रिव्यू करेंगे कि गाड़ी में मतलब प्रॉब्लम वगैरह कुछ आई तो नहीं है, तो एक बार वॉक अराउंड कर देते हैं गाड़ी का। चलो हेलो दोस्तों, कि ये है अपनी होंडा सिटी, इसमें सीएनजी लगी हुई है, तो आज इसका रिव्यू करते हैं कि कैसे क्या होगा, मतलब कि सारी चीज़ों का। होंडा सिटी आती है मैनुअल ट्रांसमिशन है ये, और इस गाड़ी की सीसी होती है 1500 सीसी गाड़ी है ये, और इसका जो गाड़ी का वेट होता है वो 1100 केजी का होता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है वो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो 160 mm का होता है, और ये जो और इसमें जो कंपनी साइड से जो एवरेज दी जाती है वो है 14 की एवरेज ऑन सिटी, और ऑन हाईवे इसमें जो एवरेज कंपनी साइड से बताई जाती है वो 17 की एवरेज है। जैसे कि देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सेडान गाड़ी है, तो भाई इसमें प्रॉब्लम तो आएगी, सीएनजी लगवाएंगे तो मतलब कि प्रॉब्लम उसमें क्या क्या होती है वो एक बार देखते हैं। इसका बूट स्पेस जो होता है वो इसमें कम हो जाता है, वैसे 506 लीटर का इसमें बूट स्पेस होता है। तो अब देखो इसके अंदर, जैसे कि अब सीएनजी सिलेंडर लग रहा है तो इसमें तो काफ़ी बूट स्पेस 506 लीटर का है, तो भाई बहुत स्पेस है। देखो इसके अंदर सिलेंडर लगे बाद भी इसमें आराम से स्टपनी भी रखी जाती है, इसमें आराम से और लगेज कुछ भी रख लो, बैग मतलब कि 4 बैग तो आराम से और भी आ सकते हैं इसके अंदर, बहुत स्पेस है, ऐसा कुछ वो नहीं होता इसमें, ये प्रॉब्लम तो हट ही जाती है। और सेकेंड होती है ग्राउंड क्लियरेंस की, कि इसमें नीचे हो जाता है मतलब सीएनजी सिलेंडर के अंदर वेट कुछ हो जाता है, 60 से 70 kg आराम से उसमें सिलेंडर में वेट हो जाता है, तो ये जो इसका जो हो जाता है इसकी वजह से इसमें गुटके वगैरह लगवाए जाते हैं, या तो स्प्रिंग इसमें मतलब कि बढ़िया को ब्रांड के लगवा लो तो उसकी वजह से होता है। भाई ने ये लगवा रखी स्प्रिंग वगैरह इसमें बढ़िया क्वालिटी की लगवा रखी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राउंड ग्राउंड क्लियरेंस इसमें बहुत अच्छा कर रखा है, ऊपर इसमें ज़्यादा दब नहीं रही गाड़ी, इसकी वजह से फेस करना पड़ता है, तो भाई ने ये बहुत बढ़िया काम करा रखा है, नीचे दबी रहती जाती गाड़ी ये। और इसमें थर्ड होता है सस्पेंशन वगैरह, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, वो दब नहीं लग जाता, इसी में जैसे अभी ये बताया आपको ये चीज़। और इसमें प्रॉब्लम होती है पिकअप वगैरह की, तो वो भाई से एक बार ओनर से रिव्यू करेंगे, इसमें पिकअप वगैरह की प्रॉब्लम कुछ आई है या भाई ने मतलब कि बढ़िया गाड़ी चल रही है, 2 साल हो गए भाई को सीएनजी लगवाई हुए, तो एक बार भाई का रिव्यू करते हैं। चलो दोस्तों, ये है अपने प्रीत भाई, ये हमारे स्कूलमेट है, तो इन भाई के पास होंडा सिटी है जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है, तो इनका रिव्यू करते हैं कि भाई इनको मतलब 2 साल हो चुके हैं तो कुछ प्रॉब्लम। प्रीत भाई कैसे हो भाई? बढ़िया, आप बताओ। बस भाई बढ़िया, मतलब कि आपको कुछ 2 साल हो चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको फेस हुई है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आई हो, सर्विस कॉस्ट वगैरह बोलते हैं कि एक्स्ट्रा हो गई हो, कुछ ऐसा हो आपको मतलब फेस करने को हुआ है कुछ ऐसा? ना भाई, सर्विस कॉस्ट तो इस गाड़ी कुछ है ही ना, 3 से 4 हज़ार रुपये में सर्विस हो जाती है। मतलब कि एक्स्ट्रा सीएनजी की मैं बोल रहा हूँ, कोई सर्विस कॉस्ट नहीं है सर्विस सीएनजी में, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फिल्टर चेंज कराना हो, जो नॉर्मल सर्विस होती है वही सीएनजी में। बस सीएनजी की मतलब जो होती है इसमें जो सीएनजी की सर्विस एक्स्ट्रा आपको जो जाके वहाँ पे जैसे ऑथराइज्ड कराई होगी, हाँ, उसी के पास जाके सीएनजी सर्विस करानी पड़ती है, इससे एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है भाई, ऐसा कुछ इसमें कोई इशू आए तो बेशक वरना। अच्छा, और मतलब पिकअप वगैरह में बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम आती है, आप कुछ लगा 19-20 या कुछ मतलब कि सही चल रहा है आपका? भाई मैंने बहुत गाड़ी चलाई है, मारुति की सीएनजी में चला लो, नहीं पिकअप में बहुत ज्यादा है, इसने आप सीएनजी में कितनी चला लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चला है भाई जस्ट डीजल में उठ रही है। मतलब आपको अभी ये कितनी आपने चला लियो, कितने किलोमीटर सीएनजी भाई? हमने जब सीएनजी लगवाई थी तब इस ये चली हुई थी 50,000, अब मैंने ये सीएनजी में 1,39,300, मतलब आपने आराम आराम से कम 80,000 मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब 90,000 के समथिंग चला दी और चलो सीएनजी में ही चलती है। चलो ये कंफ्यूजन बहुतों को होता है कि हमारी सेडान गाड़ी है तो उसमें भाई सक्सेस हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये 2 साल हो गए इन भाई को, इनके तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसको लेके। और इसमें मतलब किट कौन सी लगवाई है आपने भाई? डीजी फ्यूल की लगवाई थी। मतलब कितने अराउंड, मतलब 2 साल पहले क्या रेट वगैरह? 2 साल पहले शायद अप्रोक्स 30 के अप्रोक्स लगे, हाँ पहले रेट कम थे, अब थोड़ा रेट एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गए। डीजी फ्यूल की भाई ने सीएनजी किट लगवाई है, तो मतलब कि 2 साल में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना। और मतलब कि और किसी को कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो देख के, आप पूरी वीडियो देख के आराम से सब कुछ इसमें बताया गया है कि मतलब कि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब कुछ इसमें, बूट स्पेस बहुत अच्छा होता है, और भाई का एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया बात है। आपको ये वीडियो मतलब कि और कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं,
और इसमें लगती है मतलब सर्विस पहले 3 साल में होती थी, जो इसकी जो प्लेट लगती है सीएनजी की वो रिप्लेस मतलब कि वो रिन्यू होती है वो जो प्लेट लगती है अब, बट वो गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया तो उसको हर साल मतलब कि ये सीए सर्विस करवानी पड़ती है, वो प्लेट हर साल रिन्यू होती है पहले। अब इसलिए कर दिया क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद में कई केसेस ऐसे आ गए सीएनजी सिलेंडर फट जाते हैं क्योंकि लोग सिलेंडर के चेकअप नहीं कराते, मतलब जो हाँ होता है ठीक है। अब एनसीआर में ये कर दिया कि हर साल होगा, पहले जो गाड़ी नई इश्यू होगी वो तो 3 साल बाद होगी, उसके बाद हर साल होगा वो प्लेट चेंज होगी, अगर वो प्लेट में डेट एक्सपायर है तो सीएनजी को ही नहीं डालेगा, ये सिस्टम भी कर दिया। चलो भाई ने ये भी एक हमें नॉलेज दे दी है, इसके लिए आपको धन्यवाद। चलो और आपको जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी आगे मैं सीएनजी की वीडियो डालता रहूँगा, अभी बहुत गाड़ियाँ हैं जिनके लिए मैं डालूँगा, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू प्रीत भाई।